फर्रुखाबाद से सुरेश गुप्ता ब्यूरो चीफ की खास रिपोर्ट। 1 से 30 अप्रैल तक चलेगा संचारी रोग बचाओ अभियान। डीएमओ जनपद फर्रुखाबाद में 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक संचारी रोग बचाओ अभियान चलाया जाएगा, जिसकी पूरी तैयारी कर ली गई है और संबंधित विभागीय अधिकारियों से सहयोग की अपील की गई है। ये जानकारी जिला मलेरिया अधिकारी नौशाद अली ने दी। साफ पानी में पैदा होता है, तो हम लोगों को चाहिए कि अपने घरों की छतों पर जहां पर भी टूटे फूटे बर्तन या पानी जरा सा भी, यानी कि एक बोतल का ढक्कन भी होगा तो उसमें भी पानी भरा होगा, उसमें भी मच्छर ब्रीड कर सकता है। इसलिए सभी जनता, आप सभी लोगों से अपील है मेरी, खास करके कि अपने अपने घरों को में मच्छर पैदा होने के जगह ना बनने दें। तो इसमें सर क्या फॉगिंग भी चलेगी और एंटी लावा वगैरह छिड़काव होगा? इसमें सभी विभागों के सहयोग से नगर पालिका द्वारा फॉगिंग का कार्य कराया जाएगा, साफ सफाई कराई जाएगी, एंटी लार्वी साइड का स्प्रे होगा, मच्छरों के एडल्ट मॉस्किटो को मारने के लिए फॉगिंग होगी और लार्वा को मारने के लिए लार्वी साइडल स्प्रे होगा। ये महीने भर प्रोग्राम भी चलाया जाएगा। सर फॉगिंग मशीन का समय कितना है, कितने दिनों बाद जिस मोहल्ले में या जिस वार्ड में चल चुकी है तो कितने दिन बाद चलना चाहिए और समय क्या है इसका? फॉगिंग करने का मुख्य मेन समय होता है जब सूरज डूबता है, सूरज डूबता है छुटपुटा होता है, उस वक्त फॉगिंग करनी चाहिए। समय क्या है, कितने दिन बाद दोबारा होना चाहिए जो कि मच्छर दोबारा ना पनप पाए? एक बार जब फॉगिंग होती है तो जो मच्छर उसके धुएं की चपेट में आते हैं सब मर जाते हैं, दोबारा फिर दूसरी जगह से आ जाते हैं। तो वीकली अगर करेंगे ज्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा, तो ये क्या आपका विभाग जो है एंटी लावा उपलब्ध कराता है नगर पालिका नगर पंचायतों को? हाँ, लार्वी साइडल हमें उपलब्ध कराते हैं और एडल्टी साइड में हम भी उपलब्ध कराते हैं। लार्वी साइड मच्छरों के नालियों की दवा भी हम देते हैं नगर पालिका को और मैलाथियन टेक्निकल भी देते हैं फॉगिंग कराने। आप जनमानस को जैसे पूरी आस्तीनी का कपड़ा पहनना, मच्छरदानी लगा के सोना, ये भी कुछ है? बिल्कुल सही है। अब मच्छरों से बचाव के लिए हम सबको चाहिए कि अब जैसे हम स्कूलों का भी सहयोग इसके ले रहे हैं तो सब बच्चों को शिक्षित किया जाएगा कि पूरी आस्तीन के कपड़े पहने और मच्छरों के काटने से बचे, क्या क्या चीजें करी जाए जिससे कि मच्छर न काटे। लोगों को जागरूक करने के लिए बच्चों को भी काम जागरूक किया जाएगा, स्कूलों में किया जाएगा, स्कूलों में इसकी शिक्षा दी जाएगी। ठीक सर। सर जी, ये संचारी रोग अभियान कब से शुरू हो रहा है? हमारे जनपद में संचारी रोग अभियान 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक के बीच में चलाया जाएगा, जिसमें 10 तारीख से लेकर 30 तारीख तक दस्तक अभियान भी शामिल है। तो इस संचारी रोग अभियान को सफल बनाने के लिए हमारे जनपद के जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे कि पंचायती राज है, साफ सफाई मतलब नगर पालिका है, महानगर पालिका, सबका सहयोग लेके संचारी रोगों को कम करने के लिए डिपार्टमेंट का सहयोग दिया जाता है ताकि साफ सफाई इत्यादि की व्यवस्था पूरी तरीके से की जाए, जैसे कि मच्छरों की सोर्स रिडक्शन का काम, यानी जहाँ पे मच्छर पनपने ना पाए, बीमारियां कम हो। इसी के लिए सारे डिपार्टमेंट से सहयोग करने के लिए आज 22 तारीख को डीएम साहब की अध्यक्षता में एक बैठक ली जा रही है, जिसमें सभी विभागों को बुलाया गया है और सारे विभाग उसमें अपना अपना प्रोग्राम बताएंगे कि किस तरीके से हम इस अभियान को सफल बनाने के लिए क्या क्या चीजें, क्या क्या उपाय कर रहे हैं। कितने प्रकार के सर मच्छर होते हैं? हमारे बीमारी फैलाने के लिए मलेरिया, फाइलेरिया, डेंगू, कालाजार, डेंगू तो मलेरिया के लिए फीमेल एनाफिलीज मच्छर नामक मच्छर होता है जो जिससे मलेरिया फैलता है, और फाइलेरिया के लिए क्यूलेक्स मच्छर होता है। ये कोई गंदे पानी साफ पानी में कौन कौन सा होता है? डेंगू का मच्छर साफ पानी में पैदा होता है, एडीज एजिप्टाई, जो हम लोग घरों के अंदर खास करके ये घरों के अंदर ही पैदा होते हैं, क्योंकि हम लोग का पानी स्टोर किए रहते हैं, छतों पर टूटे फूटे बर्तन बाल्टी ये सब हम लोग डाल देते हैं, तो जिसकी वजह से बारिश का पानी एकत्र हो जाता है
और उसमें मच्छर प्रेडिक्ट करने लगते हैं, डेंगू का मच्छर।